नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सक्सेस स्पीक्स, आपके साथ मैं हूं अदिति। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उन्हीं के पीछे एक दिन काफिला होता है। यूं ही नहीं मिल जाती मंजिल राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। जी हाँ, आपकी राहों को आसान करने के लिए, आपके हौसलों को बुलंद करने के लिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सक्सेस स्पीक्स में ऐसे यूपीएससी कैंडिडेट से जिनकी राहें एक वक्त पर बहुत मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ते रहे और मंजिल प्राप्त की। आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही कैंडिडेट मौजूद है जिनका नाम है विशाल शाह। विशाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मौजूद है सक्सेस गुरु एके मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने बात की थी सुमित से, इस बारी विशाल से जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। विशाल, जब आपने शुरुआत की, जब दिल में ख्याल आया कि आपको यूपीएससी एग्जाम्स के लिए अपियर होना है, तो सबसे पहली बात दिमाग में क्या आई? पहला थॉट मैंने ये सोचा कि नाउ आई हैव टू वर्क, मुझे बुक्स देखने होंगे कौन कौन सा मुझे पढ़ाई करनी है। तो इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर टॉपर्स के जो बुक लिस्ट थे वो गो थ्रू किया और फिर अपना एक बुक लिस्ट बनाया। प्रोसेस को मैं फ्रीजिंग द बुक लिस्ट बोलता हूँ, ताकि वो बुक्स से ना ज़्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना है। और वो जो लिस्ट मैंने बनाया था उसे 3 बार मैंने रिवाइज किया, लाइक दैट वॉज माई प्लान। सर, विशाल बहुत ही फोकस्ड लग रहे हैं मुझे। इनके दिमाग में पहला ख्याल ये आया कि किस तरह से लिस्ट बनाई जाए और उस पर काम किया जाए। ऐसे कैंडिडेट्स से आप कितनी ऑफनली मिलते हैं? देखिए, दिस इज नॉट बहुत रेगुलर नहीं है इस तरह के अप्रोच जो हैं, बट दिस इज द करेक्ट अप्रोच कि करना क्या है। सबसे पहले आप कूद गए बिना रूल्स को जाने हुए, तो उसका कोई मीनिंग नहीं। बहुत बड़ी समस्या इस एग्जाम में होती है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, और एक जंगल में खो जाते हैं स्टूडेंट्स। गूगल में बहुत कुछ फ्री अवेलेबल है, चीज़ें अवेलेबल हैं, तमाम किताबें हैं। इसमें प्रॉब्लम इस बात की नहीं आता कि लोग कम पढ़ते हैं और फेल हो जाते हैं, प्रॉब्लम होता है कि ज़्यादा पढ़ते हैं और फेल हो जाते हैं, समस्या ये। तो विशाल का जो अप्रोच है, इसने क्या कहा कि पहले के टॉपर्स ने क्या किया, मुझे उसका एक लिस्ट बना थी, उन्होंने उसको फ्रीज किया। तो उसका मतलब है कि मुझे ना इससे आगे भटकना है ना कुछ करना है, अब इसके अराउंड काम करना है। तो वो एक क्लोजिंग ऑफ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ बुक्स, ये इन्होंने किया। विशाल, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके खानदान में कौन कौन है, आपके दोस्तों के बारे में बताइए, पहले अपना बैकग्राउंड दीजिए हमें। मैं अरुणाचल में जन्म लिया था, अरुणाचल प्रदेश दोईमुख में मेरा जन्म हुआ है। पढ़ाई लिखाई भी मेरी अरुणाचल में ही हुई थी। मेरे मम्मी पापा हैं घर में, और मेरा एक जुड़ा भाई भी है जो कि आईटी गुवाहाटी में है अभी, और फिर मेरी एक एल्डर सिस्टर है। इसके अलावा मतलब मेरे फ्रेंड्स में आते हैं, मेरे फ्रेंड्स जैसे कि सिद्धार्थ विक्रम हुए, शुभम हुए, अंजर हुए, ये सब सर्विस में हैं तीनों के तीनों। तो दे आर माय फ्रेंड्स जिनसे मैं मुलाकात यहाँ पे हुई थी। मैं एक्चुअली मैं यही जानना चाहती थी कि क्या आपके दोस्त इस जर्नी के दौरान बने, या ये पहले के दोस्त हैं जिन्होंने कभी शायद आपको मोटिवेट किया हो सकता है। ऑल राइट, तो ये तो हुई आपकी आपकी फैमिली बैकग्राउंड और आपके फ्रेंड्स के बारे में बातचीत। अब बताइए कि जब आप इस जर्नी पे उतरे तो आपको कैसा सपोर्ट मिला? सपोर्ट की बात की जाए तो मम्मी पापा का सपोर्ट बहुत रहा है, भाई का भी इसमें, इन टर्म्स ऑफ ऑफकोर्स दिल्ली में अगर आप रह करके तैयारी कर रहे हैं तो फाइनेंस का भी काफ़ी ज़रूरत होता है, तो उसमें मेरे भाई भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स मेरे को सेफ सिक्योर रखना इन टर्म्स ऑफ जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तो यू नो मतलब एक्सटेंडेड फैमिली ये सबसे सेफ रख, मतलब यू नो द व्हाट वी कॉल नॉर्मल कन्वर्सेशन को उससे सेफ रखना, तो वो सब चीज़ के लिए मम्मी पापा ने काफ़ी सहयोग दिया। इसके अलावा मोस्टली मेरे फ्रेंड्स लोग, जैसे कि इस बार का मेरा जो तैयारी था पूरा मेरे फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट था। मैं फ्रेंड्स लोग का हमेशा मतलब मैं ये कहता भी हूँ कि मतलब आई वॉन्ट विश यू लक, आई विश यू गेट फ्रेंड्स लाइक आई गॉट, बिकॉज दे हैव टच्ड मी एंड आई ओवर साइंस, मतलब उन्होंने छुआ और मैं चमक गया, मतलब इतने अच्छे फ्रेंड्स मुझे प्रिपरेशन के थ्रू मिले थे। आपने कहा इस बार का मेरा प्रिपरेशन, इस बार के प्रिपरेशन से आपका क्या मतलब है? पिछले बार दिया था तो मुझे इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस मिला था जब मैंने पहली बार दिया था, फिर थैंकफुली इंटरव्यू के दौरान मुझे मेरे ये नए फ्रेंड्स लोग से मुलाकात हुई, जो कि हम लोग सिमिलर मेंटल एटीट्यूड कैलिबर हम लोग का सिमिलर था, तो एज ए रिजल्ट हम लोग के फ्रेंडशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुए और फिर हम लोग साथ में ग्रुप स्टडी करते थे इनफैक्ट, और हमने एक ही साथ दिया था एग्जाम्स भी, और हम लोग सभी का मतलब सिलेक्शन भी हुआ बाद में।
तो सर इनकी जर्नी भी देखी जाए तो काफी इंटरेस्टिंग है। जर्नी के दौरान ही इन्होंने सिर्फ अपनी मंजिल तक सीधा नहीं पहुंच गए, बीच में कई ऐसी राहें आई जहां पर इनको अलग अलग रास्ते दिखे और वो ज्यादा फिनिश से आगे बढ़े और यू नो वेयर एवर ही वांटेड टू रीच ही रीच्ड। सर मगर जर्नी अपने आप में एक बहुत टीडियस रहती है एक कैंडिडेट की, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उस दुर्बलता से जो दिमाग में चलती है उससे कैसे पार पाया जाए? देखिए सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि भटकने से कैसे बचें, कि बहुत सारे आकर्षण होते हैं, बहुत सारे सलाह आती है और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कहते हैं मे आई हेल्प यू काउंटर आपको जगह जगह दिखाई देगा, तो उसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को बहुत एक अनसर्टेनिटी रहती है। तो उसे हालत में जो अप्रोच है जो विशाल का है कि अपने आप को संभालते जाना कि क्या करना है। ये मान लीजिए उन्होंने ग्रुप बनाए तो ग्रुप में भी ऐसे लोगों को बनाया जो रियली सीरियसली एक दूसरे के साथ हो सके, जैसे इन्होंने कहा सबका सिलेक्शन भी हो गया। तो कहता है कि फ्रेंड्स मेक यू फ्रेंड्स डिस्ट्रॉय यू, ये आपकी स्मार्टनेस है कि अपने दोस्त कैसे बना रहे हैं, अपने हम सफ़र कैसे बना रहे हैं जी। जो साथ में लगे हुए हैं और यदि एक एक ही मंजिल की ओर सब लगे और मिलजुल करके एक मकसद की ओर जा रहे हैं तो एक दूसरे को कैसे सिम्बायोटिक ढंग से आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शन से बचाना, भटकाव से बचाना, वो सबसे एक क्रूशियल चैलेंजेस रह जाता है इसके अंदर में। तो वो विशाल की पर्सनालिटी में वो चीज़ दिखती है जो इन्होंने अपने आप को संभाला है। आपकी जर्नी वाकई में काफ़ी फोकस्ड रही होगी, यू नो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर फैमिली, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, आपकी सोच कि मुझे आगे बढ़ना है और जो चाहिए वही पाना है। पर क्या कभी स्ट्रगल महसूस हुआ? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि कैसे आगे बढूं? कभी असमंजस में अपने आप को पाया? जी हाँ आदित्य, ऐसा हुआ था। आई मीन यूजुअली बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि इससे पहले मैं स्टार्टअप में काम करता था, मैं खुद से कंपनी चलाता था पूरा, तो 2 साल मेरा एक्सपीरियंस है उसका भी। तो देयर ऑल्सो मैं बहुत यंग था और मतलब जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था तो मैं यूपीएससी के लिए क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरा एज नहीं हुआ था उस समय तक। तो बेसिकली दैट टाइम आई स्टार्टेड द स्टार्टअप थिंग, सो उसके कारण काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी। एंड वन थिंग आई लर्न कि अब हमें मतलब जब कोई कठिनाई आती है तो हमें वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, हमें उसके सॉल्यूशन तक जाना चाहिए। अगर आप कठिनाई तक रुक जाएंगे तो वो बस आपको डिस्प्रेशन स्टेट में ला देगा। तो इसके कारण मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मेरे को कोई भी कठिनाई आती थी तो मैं हमेशा चाहता था कि उसको सॉल्व करूँ। जैसा मतलब रिचर्ड फेनमैन ने भी कहा है कि द ग्रेटेस्ट प्लेजर इज द प्लेजर ऑफ डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन। सो इन दिस प्रोसेस आई वॉज एबल टू डेराइव दैट प्लेजर। जैसे कि मुझे याद है मैं हैंड राइटिंग मेरा अच्छा नहीं था तो मैंने देखा कि दीना दाबी मैम बहुत ही अच्छा लिखती हैं और मुझे लगा कि थोड़ा फैक्टर होगा हैंड राइटिंग का भी, लेजिबिलिटी शुड बी यू नो पुशिंग द मार्क्स समहाउ। सो देन आई स्टार्टेड वर्किंग थ्रू यूट्यूब एंड एवरीथिंग कि हैंड राइटिंग बनाना है। तो फिर वो प्रैक्टिस करने में इवन 4 लाइन्स कॉपी या फिर मतलब मेरा नोट्स मेकिंग बहुत स्लो हो गया, बट स्टिल आई डिडंट गिव अप। मेरे को पता था कि ये चीज़ जरूरत है तो इसे करना है, तो फॉर्चुनेटली आई वॉज एबल टू डू सो ऑल्सो। मेरा हैंड राइटिंग मतलब इस अटैम्प में जब मैंने दिया था काफ़ी मतलब मैंने अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन ये सब किया था। तो कठिनाई तो मैं भी कहूँगा कि आती है, पर वही हमें रुकना नहीं चाहिए कठिनाई पे, हमें उसको सॉल्व करने तक जाना चाहिए। मतलब बिल्कुल विशाल, आपका ऑल इंडिया रैंक क्या था? मेरा ऑल इंडिया रैंक 63 है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई गॉट 329 इन सोशियोलॉजी, दैट टू विदाउट कोचिंग नो टेस्ट सीरीज, सो आई एम द ऑल इंडिया टॉपर सोशियोलॉजी आल्सो। So you are among the toppers all the time. That's quite inspirational. That's quite an inspirational thing actually. Sir, magar technical point of view se dekha jaye, to jo hamare audience hai, wo Vishal jaise topper se ye janna chahte hain ki unhone kis padhav par kaise taiyari ki, wo kaise aage badhe. So hum chahenge ki wo technical sawal aap poochhein Vishal se. So sabse pehle Vishal aapko bahut bahut badhai ki aapne itna acha result kiya hai. आप सिर्फ सबसे पहला सवाल भी आपके हॉस्टल से ही जानना चाहूँगा, क्योंकि आप टॉपर हैं अपने सब्जेक्ट का और आपने कोई कोचिंग भी नहीं ली जो आपने कहा, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आप बताइए कि आपने सोशियोलॉजी क्यों लिया या एक सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना चाहिए? जी सर, सर इस बारे में कुछ मैं कुछ कहना चाहूँगा कि मतलब व्हेन द प्रोसेस, अगर प्रोसेस बहुत लॉन्ग है तो हम लोग ना मतलब जो चीज़ वैक्स और वैन करती है उस पर मतलब बैंक नहीं कर सकते थ्रू आउट द प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन, इंटरेस्ट, ये सब पे ज़्यादा इस पर कम मतलब वो देना चाहिए इम्फेसिस, और हमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे। सो इज़ द थिंग ऑफ ऑप्शनल ऑल्सो, सिंस इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस टू एंड्योर। मुझे लगा कि इंटरेस्ट से ज़्यादा मैं
मतलब लॉजिकल क्राइटेरिया देखूंगा. तो फ्यू ऑफ द लॉजिकल क्राइटेरिया जो मैंने इस्तेमाल किया था सर, मैं बताना चाहूँगा. सबसे पहले मैंने शॉर्टेस्ट सिलेबस फर्स्ट देखा. तो शॉर्टेस्ट सिलेबस में मुझे लॉ, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी देखा. अच्छा, आपने स्ट्रेटजी बनाई कि सबसे शॉर्ट सिलेबस किसका है, ठीक है. ये स्टेप्स जो मैं इस्तेमाल किया वो बता रहा हूँ. फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने शुरू किए कि मैं कितना फैमिलियर हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के. तो उसमें मैंने देखा कि लॉ का जो पेपर टू था उसमें आपको एक मतलब वाकई में कोर्ट में जाकर के इंटर्नशिप जो कहते हैं एक्चुअल कोर्ट का एक्सपीरियंस चाहिए होगा. तो आई बिलीव वो आपको इम्प्रूव करेगा. और जैसा कि मुझे पता है कि अगर आपको टॉप 100 में आना है तो 300 एक बेंचमार्क बन गया ऑप्शनल में लाना. तो मुझे फील हुआ कि नहीं, अगर मैं वैसा जिसमें पेपर टू में ऑलरेडी वीक हूँ और जिसमें मुझे एक्चुअल एक्सपीरियंस का जरूरत होगा, तो मैंने फिर लॉ को डिक्लाइन कर दिया. जब मैं एंथ्रो पे आया तो एंथ्रो में ऐसा था कि मतलब पेपर वन ऑफ ऑल द मतलब ये ऑप्शनल यूजुअली फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड इज वेस्टर्न थिंकर्स. तो मैं पेपर वन इतना ज़्यादा देखता भी नहीं था. मैं कहता था ठीक है, वो तो मतलब ऐसे भी मेमोराइज करना पड़ेगा, इट वुड बी एंटायरली न्यू थिंग. पर जो पेपर टू में मेरे को लगता था कौन मुझे ईजी मतलब ईजी गो थ्रू देगा, तो उसमें मुझे जब मैंने देखा तो एंथ्रो वॉज लिमिटेड टू ट्राइबल एंड एवरीथिंग विच वॉज अगेन बिट ऑफ ए न्यू. एंड देन वेन इट केम्स टू वट वी कॉल सोशियोलॉजी इट वॉज मोर वाइडर स्पेक्ट. एंड आई फेल कि मतलब इसको एंड एवरीथिंग आई डिड विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं देख रहा हूँ ये सब चीज़. इसके बाद मैंने फिर देखा कि कितना ओवरलैप हो रहा है, मुझे एसए में हेल्प हो रहा है कि नहीं, मुझे जीएस पेपर में किसी में हेल्प हो रहा है कि नहीं. तो इस तरीके से मैंने देखा तो एसए में हमेशा एक वोमेन का क्वेश्चन आएगा, मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाता है, और या फिर वीकर सेक्शन का, तो उसमें सोशियो मुझे हेल्प करेगा. और दूसरा चीज़ था कि मुझे मतलब क्या बोलते हैं जीएस वन में एक सोशल इशूज है डायरेक्टली, तो मुझे एग्जैक्टली सर. सो दैट्स वाई आई फेल्ट कि और अगर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो अगर हम लोग बात की देखे जाए, जैसे कि जीएस फोर में वी आर आस्क टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड मेक डिसीजन मेकिंग. तो पर्सन हु यू नो रिकॉग्नाइजेस द नुआंसेस ऑफ द सोसाइटी, नोज विच आर द वीकर सेक्शन, तो वो अपलिफ्टमेंट कर पाएंगे, लाइक इट बिकम्स ए मोर यू नो व्हाट प्रोबेबल थिंग. तो हेंसफोर्थ में ये सारे रीजन के कारण सोशियोलॉजी को नैरो डाउन किया सर. सर मैं कहना चाहूंगी कि यू नो इनकी स्पीड को देखकर लगता है कि ये जिंदगी में इनका एटीट्यूड ही है फोकस्ड रहना. यू आर वेरी इंस्पिरेशनल. आपसे और भी जाना चाहेंगे सर. यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद विशाल से बातचीत होती रहेगी और इनसे हम जानते रहेंगे कि कैसे ये हर पड़ाव पर इतनी स्पीड से आगे बढ़े और टोटल विनर की तरह इमर्ज हुए. रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए. के बाद आप सभी का स्वागत है. आप देख रहे हैं सक्सेस स्पीक्स. बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सर जानते हैं इनसे कि इनकी जर्नी कैसी रही आगे. सोशियोलॉजी में विशाल बड़ा ही आपका लोगों से हट करके अप्रोच रहा है, इसलिए बहुत के लिए एक इंटरेस्टिंग हुआ जानना. आपने ये नहीं देखा कि मुझे इंटरेस्ट है या नहीं है, आपने डिसाइड किया कि इसमें नंबर मुझे मिल सकते हैं, इंटरेस्ट आपने क्रिएट कर लिया. दैट्स वेरी दो ही चीज़ होता है, या तो इंटरेस्ट हो या आप इंटरेस्ट क्रिएट कर लें. तो आपने एक तरह से इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया सब्जेक्ट के अंदर कि मुझे इसमें पढ़ना है. अब आप चूँकि सोशियोलॉजी में एज ए टॉपर आप इमर्ज कर गए, नंबर इतने अच्छे हैं आपको, तो और सब्जेक्ट भी आपका नया है, आपने कभी इसको पढ़ा भी नहीं था. आपका वैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो एक इंजीनियर सोशियोलॉजी पढ़ रहा है, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया. अब आप बताइए कि जो आपने स्टार्ट किया तो सोशियोलॉजी में आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या तैयारी की उसने. ये सर सर फॉर डैट अगेन मतलब क्या हुआ था कि जब मैं पहली बार दिया था प्रीलिम्स तो मुझे लग रहा था कि मेरा नहीं होगा. तो कॉन्वेंशनली मेथड मैंने सोचा था कि करूँगा कि हाँ आई वुड गो फॉर कोचिंग, बट अनफॉर्चुनेटली पूरा मतलब जब तक रिजल्ट्स नहीं आया था तब मैं क्लियर नहीं था कि मुझे कोचिंग करना है कि नहीं करना है. तो दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट वेटिंग. जब रिजल्ट्स आए तो क्लियर हो चुके थे. अब मुझे पूरा याद है कि अगस्त 30 को मुझे डैफ भरना था, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द डैफ था. मैं डैफ फिलिंग कर रहा हूँ और अक्टूबर 27 से हमारा मेन शुरू हो रहा है. एंड इन अप टिल अगस्त 30 मैंने एक पन्ना भी नहीं पढ़ा सोशियो का.
मतलब तब तक अपने डेप भरने तक अपने सोशियोलॉजी पढ़ा भी नहीं था और ऐसे भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होता, आई हैव नेवर बीन थ्रू इट, सो आई जस्ट न्यू द सिलेबस क्योंकि वो ऑफ कोर्स ये पिछले वाले अटेम्प्ट में हुआ 2017 वाला अटेम्प्ट का कहानी है। तो पर वही थैंकफुली उस साल क्या हुआ था कि पहली बार प्रीलिम्स प्रीपॉन्ड हुए थे और मेंस वही टाइम में था नियरली, तो उसके कारण 4 months कुछ अराउंड 3.5 months जो कि यूजुअल से ज़्यादा मिले थे हमें से, तो उसके लिए समय का तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है। और फिर मतलब ना मतलब ऐसा भी कहा जाता है, मतलब मैं rekta.org को फॉलो करता हूँ और फॉर मी इट वॉज लाइक यू नो गॉड गिफ्टेड एटम, उसमें बोलता है कि मतलब मेरे कान्हा जो आए पलट के तो होली खेलूंगी डट के, सो आई फेल दैट गॉड हैज गिवन मी नेक्स्ट चांस, सो आई वाज लाइक ओके आई विल फाइट ट्रूथ एंड नेल, मतलब पूरा गुड बहुत अच्छा। सो वो था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो एक कंसोलिडेटेड रिसोर्स चाहिए होगा, तो मैंने देखा कि तुषांशु शर्मा सर का नोट्स था जो ऑल इंडिया रैंक 75 थे 2014 बैच में, तो मैंने उनका नोट्स उठाया क्योंकि वो पूरा कॉम्प्रेहेंसिव था। फिर मैंने वो नोट्स पूरे रटने शुरू किए, थैंकफुली थोड़ा मेरा मेमोरी में एज होता है क्योंकि मैं अराउंड 30 पेज डेली करके मैंने 20 डेज में पूरा नोट्स रट के खत्म कर दिया, तो 20 डेज में मेरा पूरा खत्म हो चुका था। फिर मैंने आंसर लिखना शुरू किया तो मेरे फ्रेंड्स मेरा पीयर रिव्यू कर देते हैं, अगेन ऑल द टाइम फ्रेंड्स हैव बीन फॉर माई रेस्क्यू, तो फ्रेंड्स मेरे पीयर रिव्यू करते थे क्योंकि मैं अगर उस समय टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता तो मतलब वो बहुत ही मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता, तो इसलिए मैंने सोचा कि आई वुड गो स्लो बेस्ड ऑन माई मतलब ये, तो थैंकफुली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखता था और मेरे फ्रेंड्स पीयर रिव्यू करते थे। इसमें भी सर मुझे पता चला कि तुषांशु सर का नोट्स अगर मैं पूरे रिलाई करूँ तो वो क्वाइट डेरिवेटिव लग सकता है, आई मीन वो पता चल जाएगा किसी को भी। तो फिर मैंने सर ना ऑरेंज बुक एक आती है बहुत पतली सी, मैंने पतली बुक है एक स्टैंडर्ड बुक, तो ब्लू बुक कहते हैं जो हॉलम्बस एंड हॉलबॉर्न है, पर मैंने उसका एक छोटा वर्जन लिया हॉलम्बस एंड हील्ड, और फिर सर जो मेन थिंकर्स हैं उसे कीवर्ड से रिप्लेसमेंट शुरू कर दिया मैंने अपने नोट्स में, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ ताकि उनको लगे कि ये लड़का बहुत पढ़ा लिखा है मतलब अच्छी तरह, तो वो सर मैंने तो मैंने मेक बिलीव जो बोलते हैं वो शुरू किया मैंने, फिर तो मैंने वो रिप्लेसमेंट शुरू किया थैंकफुली मतलब अच्छा तरह, और मैं पेपर वन पेपर टू में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखता था सर, वो अलग चीज़ था, जैसे कि मैं हमेशा क्वेश्चन में ऐसा होगा कि पेपर वन का क्वेश्चन में मैं इंडियन इंस्टेंस भी डालूंगा इंडियन एग्जाम्पल, यस, तो उससे सर एक जहाँ आपको स्पेस मिलता है तो अप्लाइड ब्रेन दिखाना चाहिए और आई बिलीव वो आपको एज देगा, फिर मल्टीपल परस्पेक्टिव आने चाहिए, कुछ कुछ चीज़ मेरे को समझ में आ गया था कि अगर मैं लाऊंगा तो मुझे मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, तो थैंकफुली जो जो मेरे को समझ में आया था उसके अनुसार मुझे 281 आए थे। और मुझे पूरा याद है कि जब मैं पहले बार जब अगस्त 30 था तो मैं मेरे फ्रेंड जासिर और अमल से मिलने गया था, तो आई टोल्ड देम कि मुझे 400 चाहिए ऑप्शनल में, और मैं उस दिन तक कुछ भी नहीं पढ़ा और उन लोग हंस रहे थे। इंटरेस्टिंगली उन्होंने पूछा मुझसे कि तुम्हें ऑप्शनल का फॉर्मेट पता है, मुझे सर ये भी नहीं पता था कि क्वेश्चन नंबर 1 और 5th कंपलसरी होते हैं और रेस्ट जो सेलेक्ट करना होता है, बट थैंकफुली सर इस बार फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका था कि मैंने एक बार अच्छा परफॉर्म कर लिया, तो इस बार सर मेरा नोट्स बहुत ही कम पेज का, अराउंड 50 पेज का मैंने कंसोलिडेट करके रखा है नोट्स, तो वो नोट्स पे रिलाई किया मैंने, प्रीवियस ईयर बहुत एग्जॉस्टिवली सॉल्व किए, और मैंने ये देखा कि अगर आप शॉर्ट आंसर पे वर्क करते हैं तो शॉर्ट आंसर में ऐसा होगा कि आपका मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे, तो मैंने वो सब चीज़ पे फोकस जो जो मतलब लास्ट टाइम लैकिंग था उस पर वर्कआउट किया और थैंकफुली सर अच्छा मार्क्स आया। विशाल आपने पहले अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई किया, आपको IRPS मिल गया, प्री भी क्वालिफाई किया, मेंस इंटरव्यू भी किया और सेकंड में भी किया, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी है विच कैन बी अ श्योर शॉट स्ट्रेटजी, वो आपने क्या अपनाया जो लोगों को बताना चाहेंगे? ओके सर मैं स्टेप्स में बताना चाहूँगा, द फर्स्ट स्टेप दैट आई डिड वाज सर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गो थ्रू किया ओनली टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न और फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सर मैंने फिर सोर्सेज जैसा कि मैंने बताया था मैंने प्रीवियस ईयर टॉपर्स के सभी के एक ट्रांसक्रिप्ट आते हैं जिसमें कि तो फिर मैंने जो कॉमन बुक्स होते हैं उसमें से वो मैंने देख करके निकाला, तो वो बुक लिस्ट फ्रीज हो गया मेरा। फिर बुक लिस्ट जब फ्रीज हो गया तो मैं मल्टीपल टाइम्स उसे मैंने पढ़ाई की नोट्स बनाया ओके फिर मैं टेस्ट सीरीज लगाते रहता था ओके इवन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वापस लगाए जब मेरे पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो ये सारा करने के बाद मतलब मोस्टली अराउंड 5 to 10 रिविजन अगर कहा जाए तो वो किया, और फिर सर कोई कोई एरियाज मुझे लगता था मैं वीक हूँ तो उसके लिए मैं एंड ऑफ द टाइम अगर समय नहीं मिल रहा है तो मैं सेक्शनल टेस्ट उठाता था वो सेक्शन का, जैसे कि पहले अटेम्प्ट में मुझे नितिन सिंघान या पॉपुलर बुक है या फिर इन्वायरमेंट का बुक है वो सब मैं पढ़ नहीं पाया था, तो मैंने जो मार्केट के जो पॉपुलर टेस्ट सीरीज है सेक्शनल वो उठा के कर लेता था। वैसे मैंने जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है जो मैं फील कर रहा हूँ वीक हूँ या फिर कवर नहीं हुआ है तो वो उस तरह से मैं करता था, तो थैंकफुली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने एक बेसिकली होता है पहले सब्जेक्ट के बदले होल्ड, क्योंकि स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन रहता है कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें, ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक पढ़ें उसके अलावा और क्या क्या पढ़ें, बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, तो एक चूंकि आपकी स्ट्रेटजी वाइज आप बहुत क्लियर रहे हैं तो हाउ टू सिंप्लीफाई इज वेरी इंपॉर्टेंट द टास्क टू सक्सीड।
तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, स्टूडेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? सर अगर अभी का पैटर्न देखा जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक रेफरेंस पॉइंट. फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर सर सिर्फ 12 क्वेश्चन आए थे और उससे पहले 8 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स के, बट स्टिल इंटायर टाइम वी स्पेंड सो मच ऑफ टाइम मतलब कि करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, तो वो चीज़ एक ध्यान देना है. दूसरा है कि सर एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं. इस बार भी सारे जो टॉपर थे हम लोग के टॉप 100 हमने आंसर की निकाला था मतलब मिल करके, तो इन दैट ऑल्सो वी फाउंड दैट सेम थिंग दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वेयर फ्रॉम एनसीईआरटी, मतलब मिडिवल का जो वृत्ति जो फोर्स लेबर सिस्टम था दैट वॉज डायरेक्टली कॉपीड फ्रॉम एनसीईआरटी. सो आई फाउंड दैट एनसीईआरटी से इंडिस्पेंसिबल सोर्स. हाउएवर आई डू नॉट रिकमेंड गोइंग फ्रॉम एनसीईआरटी 6 to 10, 11, 12 टू स्टार्ट करना है अगर आपको फील हो कि आपका बाकी है ये बैकग्राउंड नहीं तब नीचे जा सकते. एग्जैक्टली सर वही मैं 11, 12 वाला फॉलो करता था. इसके अलावा सर वही रिवीजन काफी मतलब मुझे लगा कि आपने कितने बार एनसीईआरटी किताबें पढ़ी सो बताइए. हाँ सर अगेन थोड़ा मुझे एज हो जाता है मतलब कि व्हेन इट कम्स टू व्हाट वी कॉल मतलब मेमोरी एंड एवरीथिंग, तो थैंकफुली मतलब मेरा ऐसा होता था कि मैं जब पढ़ता था उसको उसी से मैं रिवाइज कर लेता था. I was not keeping it for a week. साथ के साथ revise करें. Because that, why should we actually मतलब क्यों risk लिया जाए मतलब उस समय, और उससे क्या होता था एक बार read फिर आँख बंद कर recollect और फिर revise. अगर ये तीन step कर रहा हूँ तो मेरा notes भी बहुत crisp बनता था पहला time पहला बार में, तो thankfully उसके कारण मुझे ज़्यादा revision नहीं, पर still मैं कहूँगा कि 3 to 5 times मैंने किया होगा और मेरे सभी के notes तैयार थे very unlimited number at least 1/10 मैंने किया होगा सभी NCERT को जितना भी पढ़ा होगा. सर मैंने देखा कि सभी NCERT बहुत इंटीग्रल पार्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टडीज का, पर क्या NCERT के अलावा भी कोई सोर्स ऑफ स्टडी होता है? देखिए सबसे पहले क्या है कि इस एग्जामिनेशन में बहुत एक्सटेंसिव बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत होती नहीं. मोर इम्पॉर्टेंट इज दे आर टेस्टिंग योर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड्स क्वालिटी, उसको देख रहे हैं, तो उसमें नॉलेज का बेस जो बहुत वर्टिकल डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड, दे वॉन्ट मोर यू टू बी लैटरल थिंकर. आप लैटरली सोचें एक ही इशू पे आप कई एंगल से उसका सोल्यूशन दे सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा किताबें और इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है. जैसा कि विशाल ने कहा NCERT में जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, फिर क्वेश्चन के नेचर ऐसा है कि उस नेचर में आपको बहुत इन डेप्थ स्टडी मांगते नहीं. सिचुएशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है, क्या आपकी विजन्स हैं, क्या आपके मिशन्स हैं, वो सब दिखता है. तो इसलिए बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर वहाँ बनाए. फिर एडाउन करने के लिए कहीं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे दिखता है ऑप्शनल में जीएस में, तो फिर कुछ स्पेशलाइज्ड बुक जैसे सोशियोलॉजी में इसने बताया कि ऑरेंज बुक उठाया फिर उसने ब्लू बुक उठाया, तो इसका मतलब है कि दैट्स द डिफरेंट रेंज और वो स्टूडेंट को अपनी कैपेसिटी से पता चल जाता है. सर देखा जाए तो यू नो यूपीएससी की ब्यूटी ही यही है कि यू नो इनोवेशन एक्चुअली में आपको हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होती है. Absolutely. कोई भी कैंडिडेट सुनने के बाद सीधे यदि कॉपी करेगा किसी स्ट्रेटजी का तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा. उसको अपने पर कस्टमाइज करना होगा. Absolutely. कि उसको क्या सूट करता है, दैट मेक्स द डिफरेंस. जी हम विशाल से जानेंगे उनकी इनोवेटिव थिंकिंग और उनके इनोवेटिव वेज के बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीक्षा जैन है और सिविल सर्विसेज 2018 के एग्ज़ाम में मेरी 22वीं रैंक आई है. मॉक इंटरव्यू इंटरव्यू के प्रिपरेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इसमें आप लोगों को ना सिर्फ ही इंटरव्यू की प्रैक्टिस हो जाती है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीडबैक मिलता है जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं. मैंने चाणक्य IAS में मॉक इंटरव्यू दिया और मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा. बहुत ही डाइवर्स टाइप के क्वेश्चंस भी मिले जिन पे मुझे ना सिर्फ ही तब आंसर करने का मौका मिला बट बाद में मैंने जाके सोचा भी और इसका मुझे अपने इंटरव्यू में बड़ा फ़ायदा हुआ. इसके अलावा एक एरिया जिसमें मेरी चाणक्य IAS के मॉक इंटरव्यू से बहुत हेल्प हुई वो था पॉलिटी और गवर्नेंस. मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे गए और मैं तब तो आंसर नहीं कर पाई बट मैंने घर जाके उनको अच्छे से पढ़ा और इंटरव्यू में जब उस फील्ड से फिर से सवाल आए तो मैं बहुत अच्छे से बेटर आंसर कर पाई. मॉक इंटरव्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. आप अपने इंटरव्यू को मेंस और प्रीलिम्स जितनी इम्पोर्टेंस दें और ये बहुत बड़ा मार्कर होता है आपकी रैंक का. तो ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो मच.
ब्रेक के बाद सक्सेस स्पीक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक से पहले विशाल हम बात कर रहे थे आपके अपने कस्टमाइज्ड वे की, कैसे आप इनोवेटिवली सोचते रहे और एक विनिंग स्ट्रीक पर रहे और कैसे आप आगे बढ़ते रहे। लेकिन सर, इस विनिंग स्ट्रीक पर आने से पहले एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सिलेबस होता है एक स्टूडेंट को, जिसे उसे मैसिव तरीके से पढ़ कर कवर करना होता है, तो उसके लिए आपको क्या लगता है विशाल की तैयारी कैसी थी? विशाल की सबसे तैयारी में खासियत यह है कि इन्होंने उसको पहले बहुत ढंग से क्लासिफाई कर दिया। जैसे हम कहते हैं हाउ टू ईट एन एलिफेंट, इट लुक्स वेरी ह्यूज, तो इफ द आंसर इज के बाद सीधा हम दांत निकाल के काटना शुरू कर देंगे तो वो हाथी फिनिश भी नहीं होगा और आदमी पहले मर जाएगा जी। लेकिन व्हेन यू से कि आई विल कट इनटू स्मॉल पीसेज एंड आई ईट वन पीस एवरी डे आई विल फिनिश इट, तो इनके स्ट्रेटजी में यही खासियत है कि इन्होंने उसको, अब हाथी को इन्होंने छोटे छोटे पीसेज में बदल दिए एंड देन ही इज डाइजेस्टिंग, तो दैट्स द पावरफुल थिंग अबाउट हिम। विशाल, आप ये बताइए कि जो नोट्स मेकिंग है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने नोट्स किसी कैंडिडेट को कैसे बनाना चाहिए? क्या आपने भी कुछ नोट्स बनाए? यस सर, नोट्स मेकिंग एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट हो जाता है, बट वी हैव टू इंश्योर कि वो नोट्स अपना लास्ट वीक ऑफ रिविजन में इस्तेमाल कर पाएँ। सो लास्ट वीक ऑफ रिविजन हमें अगर 100 पेजेस डाइजेस्ट करने का कैपेबिलिटी है तो हमें सारे नोट्स को वैसे ऑर्गेनाइज करने चाहिए कि आफ्टर 5 or 6 इटरेशन वो 100 पेज में रिड्यूस हो जाए। और नोट्स बनाने के लिए मैं हमेशा की बोलता हूँ सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। सपोज आप ना मतलब इंडियन ओशियन एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें आपको पता है कि अगर आपने प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है तो अरिंसा आइलैंड इन नॉर्थ टू साउथ विल बी ए प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन, एंड फ्रॉम द सेम वेरी टॉपिक सिक्योरिटी सिनेरियो इन द इंडियन ओशियन इज ए मेंस ओरिएंटेड टॉपिक। तो इस तरीके से अगर आपको नॉलेज है तो मोस्टली डेफिनेशन तो आपको डालना नहीं पड़ेगा, डेटा फैक्ट्स ही एक चीज होंगे जो आपको अल्टीमेटली नोट्स में डालने होंगे, और वो एटलीस्ट मतलब वो आपकी मतलब वही कैलकुलेशन होगी जिसके आप वन वीक में कितना कर पाते हैं लास्ट वीक में उसके अनुसार, एंड देन डिवाइडेड बिटवीन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। हाउ यू आर प्रिपेयरिंग इवन फॉर द लास्ट मोमेंट? यस एग्जैक्टली सर, वो पर्पस ध्यान होना चाहिए। अगर पर्पस मिस नहीं होगा, मिसप्लेस्ड होगा, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि 2000 पेजेस को हार्डली हम लोग वापस से 1000 पेजेस में रिड्यूस करें, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस बिकॉज आवर पर्पस इज ओनली दैट 100 पेजेस, क्योंकि हमें अल्टीमेटली नोट्स इस्तेमाल करने हैं और उसको यूज करना है। तो सर, वन ऑफ द थिंग दैट आई यूज्ड टू डू इज दैट सर, बिफोर मेकिंग इनटू नोट्स, जंपिंग इनटू नोट्स, पहले मैं पढ़ता था, एक बार पढ़ लिया फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता था सेक्शनल, और फिर वो अनसीन पैसेज की तरह मैं उसको सॉल्व करता था। जैसे कि अनसीन पैसेज में मैं अब ढूंढने लग जाऊंगा मेरे नोट्स से जो सोर्स ओरिजिनल सोर्स है उससे कि कौन कौन से पार्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कैसे, उससे सर हाईलाइट हो जाता था कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर मैं आग बन करके उसको फिर वापस रिकलेक्ट करता था इंपॉर्टेंट पार्ट को। फिर ऐसा 2-3 बार इटरेशन के बाद बहुत कम ही चीज़ बचेंगी जो कि हमें नोट करना पड़ेगा। जैसे एक टॉपिक है गवर्नेंस, उसमें डेफिनेशन तो एवरीबडी नोस, पर एक एग्जाम्पल अगर अच्छा है तो वो हमें नोट्स में लिखने लायक चीज़ होगी। आफ्टर 1-2 इटरेशन वो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि रिविजन अगर आप पहले बारी फर्स्ट रीड के बाद ही 2-3 बार रिवाइज कर लें तो नोट्स काफ़ी क्रिस्प बनेंगे, और आपका पर्पस ध्यान में क्लियर होना चाहिए कि वो लास्ट वीक के लिए। आप हम किसी समय भी रिकॉल कैसे कर सकते हैं और लास्ट मोमेंट में रिवीजन कैसे करें? करंट अफेयर्स का और न्यूज़पेपर रीडिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप बहुत चीज़ों को स्ट्रेटजिकली लेके चले हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग और तमाम करंट अफेयर्स का सोल्यूशन कैसे निकाला? ओके सर, कमिंग टू न्यूज़पेपर, फर्स्ट तो मैं मतलब बताना चाहूँगा कि एडिटोरियल कितना इंपॉर्टेंट है सर। तो एडिटोरियल सर, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेरा सर की है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके थ्रू मैंने सारे सोर्स को मैनेवर किया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मुझे ये पता चलता है कि एक एडिटोरियल के बेसिस पे एक क्वेश्चन नहीं आएगा, इट वुड बी बेस्ड ऑन मल्टीपल आर्टिकल। तो क्वेश्चन जैसे लास्ट कल का न्यूज़पेपर था उसमें आरटीआई का था, तो आरटीआई के प्रॉब्लम के बारे में बताया गया था। तो इफ़ ओरिजिनल एक्ट ऑफ आरटीआई हैज़ 5 प्रॉब्लम, दैट न्यूज़पेपर आर्टिकल ऑफ 2000 वर्ड्स वॉज कवरिंग ओनली 1 प्रॉब्लम। तो इससे हमें ये पता चलती है कि वो 1/5 ही हमें कंट्रीब्यूट करेगा। अगर ये 1/5 कंट्रीब्यूट करेगा और टोटल 250 वर्ड्स में लिखना है, तो आउट ऑफ दैट 2000 वर्ड्स हमें सिर्फ 50 वर्ड्स ही निकालना है। तो वो 50 वर्ड्स हमें एक्सट्रैक्ट करके नोट्स में डालना है, क्योंकि अगर आप एडिटोरियल का नोट्स बनाएंगे तो वो आपके हाइट जैसा लंबा हो जाएगा अगर आप अंधाधुन मतलब बना रहे हैं। अगर आपके दिमाग में रहेगा कि पर्पज इसका सिर्फ 1/5 ऑफ माई आंसर ही है, तो यू वुड बी वेरी मच स्पेसिफिक। तो वो कैलकुलेशन दिमाग में होना चाहिए, और उसके बाद वही है सर मतलब अच्छी तरीके से वो 50 वर्ड्स एक्सट्रैक्ट किया जाए। और जो और ओवरऑल हैबिट भी होनी चाहिए कि जब लिखना ही 200 वर्ड्स है, छोटे हैं, तो हम इतने बड़े बड़े उसको आंसर के लिए क्यों तैयार करें? सो यू हैव टू
check the gist of that. Exactly. और सर फिर हमें थोड़ा मतलब इसमें वो भी आना चाहिए. When I got selected, I मतलब Bible का एक quote है, I quoted that, you know, I fought the good fight, I finished the race and I kept the faith. So for in that, you know, मतलब kept the faith is very important. अगर आप यू नो दैट करंट ये मार्केट ऐसा हो जाता है कि मतलब इसमें कुछ न्यू इन्वेंट नहीं करना है. वट एवर यू से इट बी देयर, यू जस्ट हैव टू बी मतलब वेरी मच इंक्यूसिव इन गेटिंग द राइट थिंग्स. व्हिच न्यूज़पेपर यूज्ड टू रीड? सर आई यूज्ड टू रीड द हिंदू. अच्छा, हिंदू में जब पढ़ते थे तो आप ये जरा बताइए कि किस पेज में से क्या ढूंढ रहे होते थे और कैसे रिलेवेंट चीज़ों को बनाया जो लोगों को काम आए. यस सर, तो इसमें मतलब जैसे कि न्यूज़पेपर में एडिटोरियल में सबसे पहले देखता था एडिटो, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पेज से जा रहे तो आप यू वुड बी एग्जॉस्टिंग और अच्छा नहीं लगेगा, तो एडिटोरियल देखता था. और उसके बाद फिर मैं जो एडिटोरियल के नेक्स्ट पेज, दो पेज का एडिटोरियल आता है, जो नेक्स्ट पेज में डेटा पॉइंट आते हैं वो भी मैं देखता था. उससे मेरा मैप्स और विजुअल्स बन जाते थे जीएस पेपर में या फिर ऑप्शनल में. और वो डेटा पॉइंट के बगल में एक समरी ऑफ रिपोर्ट आएगा हमेशा. तो समरी ऑफ रिपोर्ट इज ऑलवेज स्पेसिफिक टू योर ऑप्शनल. अगर आपका ऑप्शनल सोशियो है तो आप सोशल रिपोर्ट देख लेंगे. तो इस तरह के से और मैं सारे मतलब स्कैन करता था सभी क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर को, और न्यूज़पेपर से ही मैं सिर्फ डेटा लेता था. और डेटा को भी मैं डिवाइड करता हूँ गुड डेटा और बैड डेटा में. लाइक गुड डेटा आर द डेटा विच कैन बी रिप्रोड्यूस डायरेक्टली. फॉर एग्जांपल कि हाँ दिया हुआ है उसमें कि एक इंस्टेंस ऑफ व्हाट वी कॉल फ्लडिंग इन सम प्लेस. बट अगर इंटरफेस मैरिज का सिंगल इंस्टेंस है तो दैट इज नॉट ए गुड डेटा. यू हैव टू फाइंड कि थ्री मंथ्स में कितना हुआ है, तो दैट इज ए गुड डेटा टू कोट. तो इस तरीके से मैं मतलब न्यूज़पेपर को. वेरी गुड, बट द आइडिया इज कि न्यूज़पेपर तो सबके लिए है, लेकिन आपको एज ए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स कहाँ फोकस करना है एंड दैट इज टू बी टेकन केयर कि आपके क्वेश्चन और सिलेबस के रेंज क्या है, उसके आसपास उनका रिलेवेंट बनाने के लिए उन्हीं चीज़ों पर फोकस करें. वेरी वेरी गुड. So Vishal has definitely paved his way in such an efficient manner. No wonder he's a winner today. I'm sure audience में जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, आप जो गवर्नमेंट की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी विशाल की जर्नी इंस्पिरेशनल रही होगी. फिलहाल आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी एक ऐसे ही और कैंडिडेट के साथ. तब तक के लिए नमस्कार. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.